बिहार में आदित्य हत्याकांड में बिंदी यादव और उनका बेटा रॉकी यादव पहले से ही जेल में हैं। अब रॉकी यादव की मां मनोरमा ने भी अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। रॉकी उर्फ राकेश रंजन यादव आरोप हत्या का जेल में बंद है। रॉकी के पिता बिंदी यादव आरोप हत्या के आरोपी को भगाने में मदद करने का जेल में बंद है। रॉकी की मां मनोरमा देवी आरोप घर से शराब की बोतल बरामद हुई 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। एमएलसी मनोरमा देवी का पूरा कुनबा अब जेल की सलाखों के पीछे है। पुलिस से लुका छिपी का खेल खेल रही मनोरमा देवी को पुलिस तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन उन्होंने गया की अदालत में सरेंडर जरूर कर दिया। पुलिस 10 मई से मनोरमा देवी की तलाश कर रही थी। आदित्य हत्याकांड में छापेमारी के दौरान मनोरमा देवी के घर से 18 शराब की बोतलें बरामद हुई थी। उनके घर से एक नाबालिग नौकर भी बरामद हुआ था, जिसके बाद मनोरमा देवी पर अवैध शराब रखने और बाल श्रम कानून के तहत केस दर्ज है। मनोरमा देवी सफाई दे रही हैं कि उनके घर से शराब की बोतलें नहीं बरामद हुई थी, उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। को मैं सम्मान करती हूँ और सरकार के साथ हूँ। मैं मेरे यहाँ कोई शराब भाई मेरे पत्र का भाई मेरे यहाँ कोई शराब नहीं निकला, ये सब झूठा बात है। तो ये क्या आपको फंसाया गया है? आपकी ही तो सरकार है। सवाल है कि अगर मनोरमा देवी खुद को निर्दोष बता रही है तो उन्हें कोर्ट के सामने सरेंडर करने में इतने दिन का वक्त क्यों लग गया? इस सवाल के जवाब में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि कानून और कोर्ट दोनों अपना काम कर रहे हैं। जिसने गलती की है या तो गिरफ्तार होगा या तो सरेंडर करेगा या तो भाग रहेगा, यही तीन बात है। अगर इसमें से कुछ तीनों हो रहा है तो रॉकी को गिरफ्तार किया, कुछ लोग आके सरेंडर किए, कुछ लोग भागे हुए हैं, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। मनोरमा देवी के सरेंडर करने के साथ ही अब उनका पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है।